केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बढ़वा द्वारा अपने इतिहास में दूसरी बार उत्तर प्रदेश पुलिस के आरक्षक प्रशिक्षणार्थियों को 29 सप्ताह का प्रशिक्षण दिया गया। इन्हीं प्रशिक्षणार्थियों की दीक्षांत परेड दिनांक 4 फरवरी 2020 को आयोजित की गई। इस अवसर पर कुल 394 परीक्षार्थियों ने शपथ ग्रहण की। इस भव्य परेड के मुख्य अतिथि हेमराज गुप्ता, उप महानिरीक्षक केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बढ़वा थे। समारोह में LM ठाकुर, उप समादेष्टा क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र बढ़वा ने प्रशिक्षणार्थियों को कर्तव्य परायणता की शपथ दिलाई। मुख्य अतिथि ने पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण के दौरान उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए हार्दिक बधाई दी तथा यह कामना की कि वे अपने इस प्रदर्शन को न सिर्फ बनाए रखेंगे बल्कि इसमें निरंतर वृद्धि करते रहेंगे और सदैव अपने साथियों के लिए प्रेरणा के स्रोत बने। उन्होंने सभी प्रशिक्षणार्थियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। कार्यक्रम के दौरान पास आउट हुए प्रशिक्षणार्थियों द्वारा विभिन्न आकर्षक, साहसिक एवं रोमांचित करने वाले प्रदर्शनों की प्रस्तुति की गई। बढ़वा से रफीक मुंडा की रिपोर्ट। कंपनी नंबर 2 के पश्चात अब बारी है कंपनी नंबर 3 की, जिसकी की बागडोर संभाली है आरक्षक प्रश्नार्थी विनोद कुमार यादव ने। आरक्षक प्रश्नार्थी सचिन कुमार के कुशल नेतृत्व में इस प्रशिक्षण केंद्र के अधिकारीगण एवं अन्य कर्मचारीगण, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, आज के इस दीक्षांत परेड में हिस्सा लेने वाले प्रशिक्षणार्थियों, आपके परिवारजन, उपस्थित देवियों, सज्जनों एवं प्यारे बच्चों,
दीक्षांत परेड समारोह की इस शुभ मेला पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में मुझे अत्यंत हर्ष की अनुभूति हो रही है। उत्तर प्रदेश पुलिस का इस क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र में यह द्वितीय बैच है जो आज पास आउट हो रहा है और दीक्षांत परेड समारोह इसकी पूर्णता का सूचक है। आज इन 392 आरक्षक दीदी प्रशिक्षणार्थियों को अपना प्रशिक्षण। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।